नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के इजिप्ट दौरे पर है। यहाँ मोदी आज प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात करेंगे। सीसी इस साल भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट थे। 6 महीने में दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की यह दूसरी मुलाकात होगी। इसके अलावा पीएम मोदी आज 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसे दाऊदी बोहरा समुदाय की सहायता से दोबारा से बनाया था। वे इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्देल करीम अल्लम से भी मिलेंगे। फिर मोदी का पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने स्मारक हेलियोपोलिस जाने का भी कार्यक्रम है। यह राष्ट्रमंडल ने बनवाया है। यह उन 3,799 भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने इजिप्ट में प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दो दिन के दौरे पर इजिप्ट पहुंचने पर मोदी को एयरपोर्ट पर वहां के प्रधानमंत्री ने रिसीव किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 1997 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र पहुंचा है। मोदी यहां भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे। मिस्र में भारत के एम्बेसडर अजीत गुप्ते ने कहा कि भारत और मिस्र के व्यापारिक संबंध 4,000 साल पुराने हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से संबंध और मजबूत होंगे। काहिरा के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे भी लगे। साड़ी पहन मिस्र की एक महिला जीना ने मोदी को फिल्म शोले का गीत ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गाकर सुनाया। मोदी ने तब आश्चर्य करा जब महिला ने बताया कि वह बहुत कम हिंदी जानती है और कभी भारत नहीं आई है। मोदी ने महिला से कहा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी हो या हिंदुस्तान की बेटी हो। शनिवार को पीएम मोदी ने मिस्र के पीएम मेडबोली के नेतृत्व में मिस्र मंत्रिमंडल की इंडिया यूनिट के साथ एक राउंड टेबल चर्चा में भी भाग लिया। इसके बाद उन्होंने काहिरा में भारतीय प्रवासी बोहरा समुदाय के सदस्यों और योग टीचर और रीम जाबक और नाडा एडल से भी मुलाकात की। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी।